हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देवकुक FF हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू देवकुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टॉप जेके है और आप लोग जो है बिल्कुल भी निराश मत हो जाना, क्योंकि मैं अगर एक कहानी पे टॉप भी को रखूँगा तो दूसरी कहानी पे टॉप जेके को रखूँगा, और ऐसे ही करके मैं एक एक कहानी को एक्सप्लेन करते जाऊँगी जैसा आप लोग चाहते हो। लेकिन थोड़ा सा पेशेंट रखो, ठीक है, सैड मत हो जाना और कहानी पे फोकस करो, क्योंकि टॉप कोई भी हो कहानी तो देवकुक की ही है। और जो लोग भीमिन लव स्टोरी सुनना चाहते हो या फिर ट्विंस का ट्विस्ट की स्पेशल पार्ट सुनना चाहते हो या फिर कोई और कहानी सुनना चाहते हो, जो भी सुनना चाहते हो थोड़ा सा पेशेंट रखो, मैं सब कुछ सुना दूँगी। गर्मी बहुत है, मैं जैसा बोलता हूँ कि ऑडियो बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम हो गई है और गर्मी में मैं 2 एपिसोड बनाता हूँ उसमें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो धीरे धीरे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सब लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने की, ठीक है, आप लोग मेरे साथ ही रहना। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, और अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, ओके। तो फिर कहानी को शुरू करते हैं। जियोन जोनकुक जो एक बहुत बड़ा माफिया किंग है, उसके नाम से ही लोग कांपने लगते हैं। लेकिन ऑपोजिट साइड का जो माफिया किंग के लीडर है उसके साथ उसका कुछ पंगा हो गया है। वो उसको नफरत करते हैं, क्योंकि माफिया किंग के लीडर एक ही हो सकते हैं, वो है जियोन जोनकुक। लेकिन दूसरी तरफ से एक माफिया किंग है जो जियोन जोनकुक को मारना चाहते हैं, और वो इसलिए जियोन जोनकुक उसको हराने के लिए उसकी बेटे को हैक करना चाहते हैं, उसको किडनैप करने के लिए एक प्रोग्राम पे पहुंच जाते हैं। और अब जोनकुक जो है वो प्रोग्राम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता है कि उस लीडर की सन कौन सा है। उसकी सन जो है दूसरी तरफ के लीडर की सन स्टेज पे आते हैं और उसको अवार्ड मिलता है, तो वो उसको हाथ पे लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। और स्टेज पे जो लड़का था वो कोई और नहीं है, वो हमारा किम तेयोंग है। जेके को अभी तक पता नहीं है जो लड़का स्टेज पे अवार्ड ले रहा है वो उस लीडर की सन है। वो ऐसे ही देख रहे थे और किम तेयोंग को देख ही जा रहे थे, क्योंकि जब से उसको देखा है जेके की हार्ट बीट जो है बहुत ही तेज़ हो गए थे। उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी फटने वाले हैं। किम तेयोंग इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा हैंडसम है, इससे पहले इतना ज़्यादा इनोसेंट फेस उसने किसी की फेस पे नहीं देखा है। किम तेयोंग की फेस जो है एक बच्चे जैसा इनोसेंट लग रहा था। जेके उसको देख ही जा रहे थे। जेके के साथ में जो गर्ल्स थे वो लोग उसकी आर के सामने उस्पर करके बोलता है कि ये लड़का उस लीडर की सन है और उसको हम लोग पकड़ के ले आए क्या। जेके बोलता है क्या, ये लड़का वो लड़का है जिसे हम पकाने के लिए आए हैं। गर्ल्स बोलते हैं कि हाँ, क्यों, क्या आप उसको यहाँ पे मारना चाहते हो। जेके बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, इस लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए, ये जैसा है उसी तरह से हमारे साथ लेकर चलो, इसको कोई भी चोट नहीं आना चाहिए। अगर इसको कोई भी दर्द हुआ ना, इसको कोई भी चोट पहुँचा तो फिर मैं तुम लोगों को फायर कर दूँगा। गर्ल्स बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि उसने तो प्लान किया था कि इसकी सन को उठा के लेकर जाएंगे या फिर यहाँ पे ही मर देंगे। लेकिन आप बॉस को अचानक क्या हो गया है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है आप जैसा बोलते हो, क्योंकि सब लोग जानते हैं जियोन जोन को अगर कुछ बोल देते हैं तो फिर वो फाइनल हो जाते हैं। उसकी बातों की कोई अगर इधर उधर हुआ तो फिर बहुत बुरा हो जाते हैं, उसकी जान जा सकते हैं जो जियोन जोनकुक की बात नहीं सुनेंगे तो। और फिर सबको अपनी जान प्यारी, तो कौन नहीं चाहेंगे अपनी जान को सेफ रखना। तो सब लोग जो है बहुत ही डर गए थे, अगर उस लड़के के साथ खींचातानी करते हुए उसको चोट लग जाएगी तो फिर जियोन जोनकुक उन लोग के साथ क्या करेगा। लेकिन उसको प्यार से भी तो साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं ना, कुछ तो करना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से तो उन लोग के साथ नहीं जाने वाले हैं। तो जोनकुक बोलता है क्या सोच रहे हो, जाओ उसको उठाकर गाड़ी पे बैठा दो। वो लोग बोलता है कि सब लोग यहाँ पे है, वो स्टेज पे नीचे जाने वाले हैं, उस वक्त हम उसको पकड़ लेंगे, अगर वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो। जोनकुक बोलता है कि पागल हो गया हो क्या।
वो नहीं जाना चाहते फिर भी हमारे साथ ले जाना पड़ेगा। और फिर वो लोग डर डर के बोलते हैं कि अगर उसको ले जाने के बाद कोई चोट पहुँच जाए तो फिर क्या होगा। फिर जानकुक बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसको एक खारोश भी नहीं आना चाहिए, समझे। वो लोग बहुत ही डर जाते हैं, वो लोग बहुत ही केयरफुली किम तेंग को पकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किम तेंग कहाँ उसके साथ जाने वाले हैं। वो बहुत ही उन लोगों को गुस्सा मार रहा था, वो फाइट करने की कोशिश कर रहा था। तो आखिर में जियोन जोंगकुक आते हैं और सब लोगों को भगाते हैं, मारने लगते हैं। किम तेंग बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि एक कौन आया है, हीरो की तरह मुझे सेव कर रहा है। वो बहुत ही चौंक जाते हैं, ये इतना, इसकी फिटनेस बहुत अच्छा है, बहुत डोले शोले बनाया हुआ है, ये तो बहुत ही हैंडसम लग रहा है। और फिर वो कुछ नहीं बोलता है, देखते हैं कि सुपरमैन की तरह उसको बचा रहा है उन लोगों से। जॉनकुक के साथ जो लोग थे वो लोग शॉक हो जाते हैं कि अचानक इनको क्या हुआ, ये हमें क्यों मारने लग गए हैं। वो लोग बोलने वाले थे कि आप हमें क्यों मार रहे हैं। फिर जॉनकुक जो है उन लोगों को बहुत ही पीट देते हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उन लोग को ऐसा लगता है कि किम तेंग को शायद चोट लगे होंगे इसलिए उन लोग को मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। किम तेंग को कुछ भी नहीं हुआ था, एक खारोश भी नहीं आए थे। और जॉनकुक बोलते हैं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, क्या तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक तो हो ना। किम तेंग बोलता है कि आप कौन हो और मुझे इस तरह से आप इतना टेक केयर क्यों कर रहे हो, हाँ, और मेरी इतना फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेरी डेड काफ़ी है मेरा चिंता करने के लिए, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। और इस प्रोग्राम पे जो है सब लोगों को पता चल गया था कि किम तेंग को पकड़ के ले जाने वाले थे। जैसे ही पता चलता है कि किम तेंग यहाँ पे नहीं है, सब लोग जो है एक दूसरे को गोलियाँ मारने लग गए थे। तो आखिर में किम तेंग बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी सिचुएशन को कभी भी हैंडल नहीं किया है। जॉनकुक जो है किम तेंग की माउथ को पकड़ लेते हैं और उसको कार में बैठा देते हैं। किम तेंग उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको बहुत ही केयरफुली वो कार पे बैठाते हैं और कार को स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ लेकर जाते हैं अपने घर पे। और जब किम तेंग को जॉनकुक के घर लेकर आते हैं, किम तेंग जो है बहुत ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। जॉनकुक बोलते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, बाहर बहुत ही प्रॉब्लम हो चुका है, अगर तुम बाहर जाओगे तो फिर वो लोग तुम्हें मार देंगे। उसको ये बिल्कुल भी नहीं बोलते कि वो उसको मारना चाहते थे और फिर उसको यहाँ पे उठाकर लेकर आए हैं। जॉनकुक ऐसा शो कर रहे थे कि वो किम तेंग की जान को बचा रहे हैं, उन लोगों से उसको सेव किया है। जॉनकुक की बात सुन के किम तेंग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, बोलते कौन लोग मुझे मारना चाहते हैं। जॉनकुक बोलते हैं कि तुमने देखा ना, वो लोग तुम्हें पकड़ के ले जाने वाले थे, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता वो लोग तुम्हें मार देते। किम तेंग बोलते हैं क्या, वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। जॉनकुक बोलते हैं तुम्हारा डैड एक लीडर है, माफिया किंग की लीडर, और तुम्हारी डैड की वजह से वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन तुम तो इनोसेंट हो ना, तो फिर मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ। किम तेंग बोलते हैं क्या, मेरी डैड और माफिया किंग के लीडर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी डैड एक बिजनेसमैन है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, मेरी डैड माफिया किंग के लीडर नहीं हो सकते हैं। जॉनकुक बोलता है मैं जानता था तुम्हें ये बात नहीं पता होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बचा कर लेकर आया हूँ, वो लोग तुम्हें मार देंगे अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए दिया तो। फिर भी किम तेंग यहाँ से जाना चाहते थे, वो यहाँ पे नहीं रुकना चाहते हैं, भी बोलता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अपने डैड से पूछना चाहूँगा कि वो मुझसे इतनी दिनों से झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे यकीन है मेरा डैड लीडर नहीं हो सकते माफिया किंग का, आप झूठ बोल रहे हो। जॉनकुक बोलता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, तुमने देखा ना वो लोग तुम्हें पकड़ के ले जाने वाले थे, किस लिए, क्या तुमने कुछ गलती किया है क्या। भी बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, तो फिर तुम्हें क्यों लेकर जाने वाले, तुम सोचो जरा ऐसा क्यों हुआ है, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो फिर वो लोग तुम्हें क्यों पकड़ेंगे, इसका मतलब ये है तुम्हारा डैड माफिया किंग का लीडर है, तुम ये बात मान लो, अगर तुम्हें एक ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और उसके डैड की कुछ पिक्चर दिखाते हैं जिसमें वो उसकी डैड जो है कुछ लोगों को मार दिया है,
उस टाइम पे कुछ पिक्चर खींचे गए थे, उस पिक्चर को उसको दिखाते हैं। वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं, मेरे डैड माफिया किंग की लीडर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमेशा कीमतियों के सामने उसके डैड बहुत ही अच्छा सा बिजनेसमैन की तरह ही रहते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं, जिस वजह से कीमतियोंग थोड़ा सा इनोसेंट है और उसको इन सब चीज़ों में कोई भी आइडिया नहीं है, इन सब चीज़ों में वो बहुत ही दूर है। उसको तो पता भी नहीं है कि माफिया किंग की यहाँ पे ये लोग करते क्या है, क्या होते हैं, कि भी जिस तरह से जीते आए हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, स्टडी अच्छी तरह से करते हैं, टॉप करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, गेम खेलते हैं, उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे थे। लेकिन आप सब कुछ उलट पुलट हो गया है जब उसको पता चला कि उसकी डैड माफिया किंग की लीडर है और जीवन जोन को उसकी डैड की कुछ पिक्चर दिखाया है, तो उसको पक्का यकीन हो गया है कि ये सच बोल रहा है। वो अब जीवन जोन को भरोसा करने लग गए हैं और उसकी बातों को मानते हुए यहाँ पे रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो यही बार बार बोल रहे थे कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं अपने डैड से बात करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला है। अगर वो माफिया किंग है तो उसको पुलिस के पास जाना चाहिए और अपनी सारी गलतियों को मान लेना चाहिए। जीवन जोन को बोलता है कि ये लड़का पागल हो गया है क्या, खुद जाके कोई थोड़ी जाके बोलता है कि मैं माफिया किंग का लीडर हूँ, ये तो बहुत ही इनोसेंट है। फिर बोलता है कि ठीक है तुम बाद में तुम्हारे डैड को पूछ लेना, लेकिन अभी तुम्हारी लाइफ जो है बहुत ही खतरे में है और तुम्हारा लाइफ को सेव करना मेरी जिम्मेदारी है। किम तुम बोलते हैं लेकिन आप मुझे क्यों सेव करना चाहते हो, इसमें आपकी क्या फ़ायदा है, क्या आपको मेरे डैड ने कहा है मुझे सेव करने के लिए। जीवन जोन को बोलता है कि नहीं, तुम्हारा डैड तो यही चाहता है कि तुम्हें मार दिया जाए। किम तुम बहुत शौक होकर बोलता है क्या मेरे डैड चाहते हैं कि मुझे मार दिया जाए। जीवन जोन को बोलता है हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो लोग तुम्हें पकड़ के ले जाने वाले थे उन लोगों ने बोला था अगर तुम्हारी डैड इन सारी चीज़ों से नहीं हटेंगे और कुछ कामों पे बाधा नहीं डालेंगे ना तो तुम्हारी कुछ नहीं होगा। और फिर वो लोगों ने तुम्हारे डैड को ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे डैड ने उन लोगों के काम पे कोई भी टांग लड़ाया है तो तुम्हें मार दिया जाएंगे। तुम्हारे डैड ने क्या कहा पता है, किम तुम बोलते हैं कि क्या, मैं सुनना चाहूँगा। उनको बोलता है कि तुम्हारे डैड ने कहा है कि मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं तुम लोगों को एक काम नहीं करने दूंगा। किम तुम बोलते हैं कौन सा काम, क्या वो लोग भी ये सब कुछ करते हैं गलत काम, अब लोगों को मार देते हैं या फिर। जॉन को बोलता है कि हाँ वो लोग ऐसा तो नहीं करते हैं। फिर बोलते हैं कि छोड़ो इन सब बातों को, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो फिर ठीक है तुम जा सकते हो। और वो बाहर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो लोग बंदूक को निशाना लगा के रखे थे जीवन जोनको के घर के सामने। वो जो है जीवन जोनको की प्लान किया हुआ था, वो लोग कोई और नहीं, ये जीवन जोनको के आदमी ही थे। लेकिन क्यों तो बाहर जाने वाले थे, देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं और बाहर जितने भी लोग थे सब लोग इस घर को निशाना बना के रखे थे, गोली मारने वाले थे ऐसा लग रहा था देख के। तो किम तुम नहीं जा पाते और बोलते कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं क्या, आप मेरी वजह से यहाँ पे फंस गए हो, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो फिर वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। जॉन कुक बोलते हैं तुम मेरा चिंता मत करो, तुम अगर तुम्हारे डैड के पास जाना चाहते हो तो फिर ठीक है जाओ यहाँ से। किम तुम बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। जॉन कुक खुश हो जाते हैं क्योंकि वो यही तो चाहते थे कि किम तुम यहाँ पर रुक जाए और उसको पकड़ के भी नहीं रखना पड़ेगा। अब तो किम तुम अपनी मर्जी से ही यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो गया है और उसको ऐसा भी लगता है कि उसके डैड भी उसको मारना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे रुकने के लिए आखिर में मान जाते हैं। तो जीवन जोन को उसके लिए कपड़े ऑर्डर कर देते हैं, स्टाइलिश कपड़े जो है डिज़ाइनर से मंगवाते हैं और भी बोलता है कि मैं फ्रेश होना पसंद करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा टायर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मेरा कपड़े भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे कुछ कपड़े मिल जाएंगे क्या। जॉन कुक बोलते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं जो मैंने अभी तक पहना नहीं है, तुम चाहो तो उसे ट्राई कर सकते हो। किम तो बोलते हैं ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन जीवन जॉन कुक उसको ये नहीं बोलते हैं कि उसने अभी अभी ऑर्डर किया है उसके लिए। तो वो ऊपर जाते हैं,
उसको कमरा दिखा देते हैं, बोलते कि तुम इस कमरे में रह सकते हो, ये तुम्हारे लिए कमरा मैंने तैयार कर दिया है। किमते उनको देख के थोड़ा सा शक लगता है कि एक कमरा तैयार देखे ऐसा लग रहा था कि ये कमरा उसी के लिए तैयार किया गया हो, क्योंकि ये कमरा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और जब वो अलमीरा को खोलते हैं, वो कपड़े को देख के बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी की साइज़ के कपड़े यहाँ पे थे और सब कपड़े जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वो जियोन जोनको को बुलाने लगते हैं, वो यहाँ पर जाते हैं और बोलते क्या हुआ, बोलते कि आपने इन कपड़ों को एक बार भी नहीं ट्राई किया है, एक कपड़े तो बिल्कुल नए लग रहे हैं। जॉन को बोलता है कि हाँ वो मैंने अभी उसको ऑर्डर किया है। किम तुम बोलता है क्या अभी ऑर्डर किया है लेकिन क्यों? फिर वो बोलता है कि नहीं मतलब मेरे लिए ही ऑर्डर किया है लेकिन मैंने अभी तक पहना नहीं है, मैं हमेशा एक कुछ ना कुछ प्रोग्राम पे जाते ही रहता हूँ तो मुझे कपड़े चाहिए होते हैं, तो तुम इसे पहन सकते हो। तो किम तुम बोलते हैं मैं इसको कैसे ट्राई कर सकता हूँ, आपने इसको अभी तक पहना नहीं है। जॉन को गुस्सा होकर बोलता है मैंने कहा ना एक कपड़े तुम ट्राई कर सकते हो। और फिर किमते बहुत ही डर जाते हैं जॉन को के फेस को देख के, क्योंकि वो बहुत ही डरावना लग रहे थे, उसको अभी देखने में माफिया किंग लग रहा था। वो जॉन को बहुत ही अच्छी तरह से देखता है किमते, और अब उसको ऐसा लगता है कि ये भी माफिया किंग जैसा ही लगता है, क्या ये भी माफिया किंग है? और फिर वो पूछता है कि क्या आप भी? तो जॉन को बोलते हैं आप कुछ बात मत करो ठीक है, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अब मुझे भी फ्रेश होना है, मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, ठीक है बाद में बात करते हैं, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। किमते बोलते हैं कि ठीक है, और फिर वो तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। जॉन कुक उसको देख ही जा रहे थे, वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक प्रिंस है, और जॉन को उसको देखे ही जा रहे थे। भी जब नीचे आके बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, वो जॉन को देखता है बहुत ही अच्छी तरह से। जॉन को की बॉडी, उसकी पर्सनैलिटीज़, उसकी हाइट, सब कुछ इतना ज़्यादा एट्रैक्टिव है कि भी जो है उसको देखे ही जा रहे थे, क्योंकि जॉन को बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। उसने इससे पहले इतना ज़्यादा बॉडी फिटनेस किसी इंसान को नहीं देखा है। जॉन कुक को इस लुक पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जॉन कुक की बिग हेयर, उसकी बिग आइज, उसकी नोज, उसकी होट, उसकी आईब्रोज और उसकी जैकेट, उसकी टी शर्ट, सब कुछ एक साथ देखते हैं उसके होठों पे देख रहे थे और देखे जा रहे थे। उसकी होट जो है बिल्कुल पाउट किया हुआ था। किमते उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था जॉन कुक। जॉन कुक बोलता है क्या हुआ, तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? भी बोलता है कि नहीं मुझे यही लग रहा था कि मैं यहाँ पे किसके साथ आ गया हूँ, पता नहीं आप मेरे साथ क्या करोगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे सेव किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके आपके घर में रहने दिया, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे इतना अच्छा खाना खाने के लिए इन्वाइट किया है। जॉन को बोलता है कि बैठ जाओ, साथ में खाना खाते हैं, और फिर वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। सो गाइस मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, ये नई कहानी है, नई शुरुआत है, आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग को पहली एपिसोड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, ओके, और अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो लोग सुन रहे हो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि वीडियोस अपलोड करने से आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।